यूपी की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है और इस तस्वीर को बदल सकते हैं आजम खान। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सपा की जगह बसपा नेता के तौर पर वो जाने जाएं। ऐसा हम नहीं, ताजा राजनीतिक हालात बयां कर रहे हैं। सपा के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव से इनकी पट नहीं रही, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही है। पहले आजम खान के समर्थन में मायावती ने ट्वीट किया और फिर लगे हाथ ये भी खबर आ रही है कि बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा जल्द आजम खान से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा मायावती का दूत बनकर सीतापुर की जेल जाएंगे और उनसे मिलेंगे। इससे पहले मायावती ने आजम खान के समर्थन में ट्वीट किया था। माया ने लिखा कि यूपी सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ बदला लेने की नीयत से कार्रवाई कर रही है। आजम खान करीब 2.25 साल से जेल में बंद है, ये न्याय का गला घोटना नहीं तो क्या है। इससे पहले सपा विधायक और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव आजम खान से सीतापुर की जेल में मिल चुके हैं। उनके अलावा कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी उनसे मुलाकात की थी। आजम खान पर करीब 80 मुकदमे चल रहे हैं और वो करीब 2 सालों से जेल में बंद हैं। लेकिन इन 2 सालों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव केवल 1 बार उनसे मिले हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव पर आजम खान की रिहाई के लिए ठोस रणनीति बनाने या कदम नहीं उठाने का आरोप लग रहा है। अखिलेश यादव और आजम खान के बीच बढ़ी इस दूरी का फायदा उठाने में दूसरे दल जुट गए हैं। यूपी की सियासत में मुस्लिम वोटों का दावा जताने वाली पार्टियों में अचानक आजम खान की डिमांड बढ़ गई है। वहीं आजम खान के लिए बीएसपी भी एक विकल्प हो सकती है। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में आगे क्या होगा कुछ भी दावा करना अभी जल्दबाजी होगी।